राजधानी पटना के सड़क पर एलआरसी के अभ्यर्थी उतर चुके हैं। इनकी मांग है कि जो नियमावली है उस नियमावली के तहत ही सरकार इनकी वैकेंसी को निकाले और इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए देखिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी इनके बीच बैठे हुए हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हैं और साथ ये तमाम अभ्यर्थी पिछले कई समय से अपनी मांग को लेकर धरना देते रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं और आज एक बार फिर से राजधानी पटना के सड़क पर ये तमाम अभ्यर्थी बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप हमको बताइए ना, गलती जांच एजेंसी है तो आप इस पर बच्चों पर थोप दोगे? तो आप अपनी जांच एजेंसी की प्रक्रिया करो। मेरिट पर आपने लिया, नियमावली आप कुछ बना रहे हो और जब नियमावली बनाते हो तो जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है उस प्रक्रिया के बीच में नया नियमावली बनने का क्या मीनिंग है? ये लॉ कहता है क्या? और आप बच्चों को मार देते हो, बच्चे दूर दूर से आते हैं, पढ़ के किसी तरीके से आते हैं, उसके बाद पैसे के लिए हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ में पैसा, और चीज़ों में रिटर्न एग्जामिनेशन क्यों नहीं? सर, सरकार तक आवाज लेकर पहुंचेंगे आप? सर, हम तो लगातार 4 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लगातार ये लड़ाई हो, पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी की लड़ाई हो, कॉलेज प्रोफेसर की लड़ाई हो, फैकल्टी की लड़ाई हो, एसएससी की हो, यूपीएससी की हो, आरबीआई की हो, अमीन की हो, आप जहाँ जहाँ गलती करते हैं वहाँ वहाँ हम अपनी सरकार को जगाते हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही है इनकी आवाज़? सर, पैसा के सामने सब कुछ फेल है इस कंट्री में। हर चीज़ों में राजनीति, हर चीज़ों में पैसा सही नहीं है। सरकार घूस ले रही है, आप करना चाहते हैं? सर, सरकार घूस ले रही है कि क्या ले रही है? बिना पैसे के पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार 20 सालों से देश भर में पेपर कैसे लीक होता है? कौन है कोचिंग माफिया? कौन है ये सेक्रेटरी? कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? सरकार की आंख खुली नहीं है क्या? वो अंधा हो गए हैं क्या? हम धृतराष्ट्र हो गए हैं क्या? हमें बच्चों की आवाज़, बच्चों के अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए? हमेशा लाठी गोली की धमकी, गोली चलाने की धमकी, ये कैसे संभव? तो देखिए, पप्पू यादव हमारे साथ थे और एलआरसी के ये तमाम अभ्यर्थी हैं, देखिए सड़क पर बैठे हैं और इन्हीं के पक्ष में पप्पू यादव भी सड़क पर उतर चुके हैं। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांगे ये विशेष सर्वे अमीन का बिहार में बहाली आई थी। हम लोग का कहना है कि सरकार इस पर फॉर्म ही भरवा ली है, 10,101 पद के लिए आई थी, 3.5 लाख अप्लीकेंट है, हमारा फॉर्म भी फिलअप कम्प्लीट हो गया, हमारा जो सुधार करने के लिए ऑप्शन आता वो भी कम्प्लीट हो गया। सरकार बीच वैकेंसी में नियमावली चेंज कर दी जो ये कतई अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं बिहार के 3.5 लाख बच्चों का जिंदगी अंधकार में है। सरकार की हमारी मांगे जो हमारी नियमावली पहले की थी उसे हमारी वैकेंसी को क्लियर की जाए जिससे हम अपनी राज्य में अपनी सेवा जी दे सके। तो देखिए, नियमावली को लेकर इनकी मांग है और इसी मांग को लेकर ये अभ्यर्थी पिछले कई समय से धरना पर बैठते रहे हैं और एक बार फिर से राजधानी पटना के सड़कों पर ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ चुके हैं। इनकी तमाम मांगे को जब तक पूरा नहीं किया जाता है, इनका कहना है कि ये लोग यूं ही धरना पर बैठे रहेंगे। क्यों पहुंची है यहाँ पे? एलआरसी की मांग पूरी करने के लिए। मुख्य मांगे क्या क्या है आप लोगों की? मुख्य मांगे क्या क्या है सरकार से? सरकार से क्या क्या मांगे? यही मांगे कि पुरानी जो नियमावली है उसी हिसाब से बहाली निकालनी चाहिए और काउंसिलिंग जारी होना चाहिए। हम लोग की मांगे हैं ये, हम लोग को 2-3 माह पहले ये बहाली निकाला गया स्पेशल सर्वे अमीन का और फॉर्म भरा दिया गया। अब करेक्शन भी हो गया कि आप लोग फॉर्म में जो भी गलती है वो सुधार लीजिए, नहीं तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। इससे पूछा गया कि आप क्यों एग्जाम ले रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि ये जो पिछले बार जो 2019 में बहाली आई थी इसमें बहुत लोग फर्जी पकड़े गए। तो फर्जी क्यों पकड़े गए? आप अच्छा से नहीं चेक किए, वो आपकी गलती है, सरकार की गलती है, वो मेरी तो गलती नहीं है। आपको पास यदि चेक करने का वैसा कोई नहीं है तो आप न्यू एजेंसी कीजिए, आप न्यू एजेंसी लाइए, बच्चा लोग का सर्टिफिकेट अच्छा से चेक कीजिए, गवर्नमेंट जहाँ के बच्चा लोग पास है वहाँ से आप मंगवाइए कि वहाँ से बच्चा ये पास है कि नहीं। ये क्या है बीच बहाली में बोलते हैं कि हम लोग एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने का इसके पीछे कारण है एग्जाम लेंगे, सीट बिकेगा, पोस्टर लीक होगा, सरकार को सीट बिकेगी, पैसा मिलेगा, सीट बिकेगा, सरकार पर इल्जाम लगा रहे हो आप? हाँ, बिकेगा। 2 दिन पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ है, देखे ना क्वेश्चन लीक हुआ। बिहार में क्या ऐसा चीज है जो क्वेश्चन लीक हो जाता अदर स्टेट नहीं है? बिहार में यही ना क्वेश्चन लीक होगा तो जिसके पाप के पास पैसा रहेगा वो क्वेश्चन खरीदेगा, एग्जाम देगा और ज्वाइनिंग करेगा। गरीब के
हजार लोग रोड पे है, वो आपकी गलती है। सरकार से यही कहना है कि आप जल्द से जल्द कंप्लेंट लिस्ट जारी करें। हम लोग दो साल के जॉब के लिए कभी एग्जाम नहीं लेंगे। तो अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग का यही कदम है कि इलेक्शन आने वाला है 2025 में। सरकार ये भी व्यू बनाई हुई है कि हम लोग का एग्जाम डाल दे 2024-2025 तक हम लोग ले जाएंगे और इलेक्शन टाइम में हम लोग को होगा कि ये बहाली निकाला, अब इसको वोट दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, हम लोग यदि नहीं किया जाएगा तो हम लोग को ये वादा है कि सरकार को भारी मतों से हम लोग गिराने वाले हैं। कहाँ से आए? हम पटना से ही हैं, मेरा नाम अस्मिता कुमारी है। देखिए, हम लोग की जब काउंसलिंग लिस्ट जारी होने वाली थी उस टाइम क्या किया गया कि एग्जाम कर दिया गया है। अगर उनको एग्जाम ही लेना था तो जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था उसी टाइम नोटिफिकेशन दे रखते, तो हम लोग तैयारी करते उसका। और काउंसलिंग के टाइम में ये कहाँ का नियम है कि एग्जाम का डेट निकाला जाए, एग्जाम लिया जाए? ऐसे सरकार करते हैं? सरकार इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनको चुनाव का इलेक्शन लड़ना है, हम लोगों के पैसा बचाएंगे, घूस लेंगे, उससे पैसा बचाएंगे और उससे चुनाव लड़ेंगे। सरकार का यही कहना है। सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को रोड पे उतार दिए हैं। देखिए, छात्रों का यहाँ इल्जाम जो है वो साफ तौर पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर है, क्यों पहुंची है सड़क पर? देखिए, सरकार रातों रात हमारी चलती बहाली को रद्द कर दी गई। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जो पुराना नियम था उसमें था कि हमें हमारे मार्क्स बेसिस पे लिया जाएगा, हमारे जो कॉलेज के नंबर उसके बेसिस पे लिया जाएगा। अचानक वो पब्लिक एग्जाम लेंगे, उनके एग्जाम में क्या भरोसा? रातों रात क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर में पेपर लीक हो जाता है, उसमें हम लोग क्या भरोसा करेंगे? एक साल का कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम है, बहाली है, उसमें वो एग्जाम देने का बात करें। जान बचाने वाले डॉक्टर नर्स और क्या बोलते हैं वो लोग, सब के सब मार्क्स बेसिस पे। लेकिन हम लोग जो एक जमीन मापने का काम होता है एलआरसी का, अमीन का, ठीक है, उसमें उनको एग्जाम चाहिए, यूपीएससी बेसिस का उनको एग्जाम चाहिए। ये चीज़ कैसे होगा? उनको अपना पैसा जमा करना, 24 में इलेक्शन होगा, सारा पैसा ले लेंगे वो बस जमा करके, सीटें बिकेंगी सब देगा ही। देखिए, छात्रों की मांगों के बीच पप्पू यादव जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बैठे हैं पटना की सड़क पर। पप्पू यादव भी उतर चुके हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर जो ये छात्र छात्राएं सड़क पर उतरते रहते हैं और इनकी मांगों की आवाज को बुलंद करने के लिए जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी इनके बीच बैठे हैं। तो इनकी मांग है कि जो नियमावली है, जो एलआरसी का एग्जाम है, एलआरसी का जो मामला है, उसके नियमावली के तहत ही इनकी बहाली की जाए और जो सरकार इनके साथ नाइंसाफी कर रही है उस नाइंसाफी को दूर करे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।